नमस्कार, मैं प्राध्यापक डॉक्टर अनूप दळवी, अध्यक्ष हिंदी विभाग RBNB कॉलेज श्रीरामपुर। आज हम TYBA के पाठ्यक्रम में से दो रचनाकार अर्थात आदिकाल के दो रचनाकार अमीर खुसरो और चंद बरदाई, इन दो कवियों का अध्ययन हमें करना है। अमीर खुसरो फारसी भाषा के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के प्रसिद्ध कवि थे। सन 1314 के आसपास उन्होंने रचना लिखना आरंभ कर दिया। अमीर खुसरो बड़े विनोदी, मिलनसार, सहृदय कवि थे। जनता की बातों में अपना पूरा योगदान वो देना चाहते हैं। जिस ढंग की दोहे, तुकबंदियाँ, पहेलियाँ उन्होंने लिखी, अर्थात सर्वसाधारण जनता की बातचीत को, उनके विवेचन को, उनके विचारों को, उनके माध्यम से उन्होंने वाणी दी है। बोलचाल की भाषा में उनका साहित्य प्रचलित दिखाई देता है। उसी ढंग से उन्होंने पहेलियाँ कहने की उत्कंठा उनमें निर्माण हो गई। अमीर खुसरो में उक्ति वैचित्र दिखाई देता है, परंतु फिर भी कुछ रसीले पद, रसीले गीत तथा दोहे अमीर खुसरो ने लिखे हैं। अमीर खुसरो खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले पहले कवि माने जाते हैं। उनका वास्तविक नाम है अब्दुल हसन, जिन्हें सूफी धर्म का सिद्ध पुरुष समझा जाता है। अनेक विद्वान उन्हें सूफी साधक ही कहते हैं। उनकी मृत्यु 1381 में हुई। अमीर खुसरो के गुरु के संबंध में कहा जाता है कि दिल्ली के सुप्रसिद्ध साधक निजामुद्दीन औलिया को उनका गुरु माना जाता है। अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर अनेक सुल्तानों को आते हुए तथा जाते हुए उन्होंने देखा है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश इसी समय दिल्ली में थे। इतिहास की दृष्टि से यह समय कलह का है, ग्रह युद्धों का है। इस युग में अनेक युद्ध दिखाई देते हैं। राजा राजाओं में अनेक प्रकार के संघर्ष तथा युद्धों की स्थितियां इस युग में निर्माण हो गई थी। अर्थात यह जो समय था वह शांति का समय नहीं था। साहित्य का निर्माण शांति के समय में होता है, और इसीलिए यह जो समय है यह समय साहित्य के लिए पोषक नहीं था। लेकिन ऐसे समय में अमीर खुसरो ने लोक साहित्य की निर्मिति की, मनोरंजन परक साहित्य की निर्मिति की, और यही कारण है वास्तविक अर्थ में उन्हें हम लोक साहित्यकार कह सकते हैं। अमीर खुसरो ने या उनके ग्रंथों की संख्या 100 से भी अधिक बताई जाती है, परंतु उनमें से केवल 20-21 ग्रंथ ही अमीर खुसरो जी के उपलब्ध है। खालिकबारी, पहेलियाँ, मुकरिया, दो सुखने, गजल उनके प्रसिद्ध हैं। वस्तुतः उनके काव्य में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने का सफल प्रयास हुआ है, और उनके कई उदाहरण उनकी रचनाओं से पाए जाते हैं। अमीर खुसरो ने पहेलियाँ लिखी, अर्थात किसी रहस्य को जानना पहेली होती है। जैसे पहेली का उदाहरण यह है, एक थाली मोती से भरी हुई है, सबके सिर पर औंधा धरा, वह थाली सबके सिर पर उल्टी औंधा धरा, सबके सिर पर उल्टी पकड़ ली है, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरी, वह थाली चारों ओर घूमती है, मोती उससे एक न गिरे, परंतु उससे एक भी मोती गिरता नहीं है। अर्थात पहली है, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वो थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। और उसका जवाब है आकाश, जवाब है आकाश। अर्थात जैसे एक थाल मोती से भरा, जो आसमान में तारे दिखाई देते, सितारे दिखाई देते हैं, जैसे वो एक थाली में भरे हुए हैं, और वह थाली सबके सिर पर उल्टी पकड़ ली, औंधा धरा, परंतु उसमें से एक भी तारा, एक भी मोती नीचे नहीं गिरता, चारों ओर वह थाली फिरे,
वो थाली चारों ओर घूमती है, परंतु फिर भी उससे एक भी मोती अर्थात तारा जमीन पर गिरता नहीं। अर्थात यह रहस्य है, और उस रहस्य को जानना पहली होती है, और उसका जवाब है आकाश। आकाश के संदर्भ में यह पहली दी गई है। जैसे उन्होंने पहेलियाँ लिखी तो उनके साथ साथ आमिर खुसरो ने मुकरियाँ भी लिखी। मुकरी का एक उदाहरण उद्धृत है। टट्टी तोड़ के घर में आया, अर्तन बर्तन सब सरकाया, खा गया पी गया दे गया बुत्ता, क्यों सखी साजन, क्यों सखी साजन ना सखी कुत्ता। अर्थात यह पहला गलत उत्तर देकर बाद में सही उत्तर दिया जाता है। पहला गलत उत्तर दिया गया, जैसे उदाहरण टट्टी तोड़ के घर में आया। टट्टी मतलब अपने घर के पास लगाए हुई टट्टी, जैसे कंपाउंड कहा जाता है। टट्टी तोड़ के घर में आया, अर्तन बर्तन सब सरकाया, घर में जो अर्तन बर्तन थे, जो सामान था, वह सभी सरका दिया, हटा दिया, खा गया पी गया दे गया बुत्ता, डकार दे दिया। किसने यह सारा काम किया? कौन टट्टी तोड़कर घर में आया? किसने अर्तन बर्तन सब सरकाया? कौन खा गया पी गया दे गया बुत्ता? कौन, किसने डकार दी, किसने बुत्ता दिया? और पहला गलत उत्तर दिया गया, क्यों सखी साजन, साजन मतलब प्रियकर, ये सारा काम प्रियकर ने किया? नहीं, ना सखी कुत्ता, ये सारा काम कुत्ते ने किया है। उसी तरह से यह मुकरिया लिखने का प्रयास आमिर खुसरो ने किया है, जहाँ पहला गलत जवाब देकर बाद में सही जवाब दिया जाता है। उनके साथ साथ आमिर खुसरो ने दो सुखने लिखे। दो सुखने का मतलब होता है कि दो प्रश्नों का उत्तर एक ही होता है। जैसे यह दो प्रश्न किए गए हैं, पान सड़ा क्यों, घोड़ा आड़ा क्यों, कारण फेरा न गया था, उसे घुमाया न गया था। दो प्रश्नों के उत्तर, पान सड़ा क्यों, जैसे किसी पेड़ का पत्ता गिर जाता है, और वह पेड़ का पत्ता गिर जाने के बाद अगर वह उसी तरह से अगर पड़ता रहता है, पानी से वह सड़ जाएगा, परंतु उसे अगर फेर दिया गया, पलट दिया गया, फेरा गया, तो वह सड़ नहीं जाएगा, सूख जाएगा। पान सड़ा क्यों, फेरा न गया था। घोड़ा आड़ा क्यों, घोड़े की एक आदत होती है, दौड़ाने की आदत होती है, अगर वह आदत उस घोड़े के लिए अगर नहीं रही तो वह घोड़ा कभी दौड़ नहीं सकता, इसलिए हर दिन उसे दौड़ाना पड़ता है, उसे घुमाना पड़ता है। और इसीलिए घोड़ा आड़ा क्यों, वह अड़ क्यों गया, रुक क्यों गया, फेरा न गया था, उसे फेरने की आदत नहीं थी। अर्थात दो प्रश्नों का उत्तर एक ही होता है, पान सड़ा क्यों, घोड़ा आड़ा क्यों, फेरा न गया था, घोड़े को घुमाया नहीं गया था, दोनों का जवाब एक ही है। उनके साथ ही एक दूसरा उदाहरण है, सितार क्यों न बजा, औरत क्यों न नहाई, सितार क्यों न बजा, तो पर्दा नहीं था, औरत क्यों न नहाई, पर्दा नहीं था, सितार को पर्दे से ढकना पड़ता है, अगर वह नहीं ढक गया, ढका गया तो वह बिगड़ जाता, वो बजता नहीं, औरत क्यों न नहाई, स्पष्ट है कि पर्दा नहीं था। मतलब दो प्रश्नों का उत्तर एक ही होता है। उनके साथ ही साथ आमिर खुसरो ने ढकोसले की रचना की। ढकोसला अर्थात यहाँ भिन्न भिन्न शब्द लेकर जहाँ काव्य रचना की जाती है उसे ढकोसला कहते हैं। जैसे खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजाए। अर्थात भिन्न भिन्न शब्द रचना है। खीर पकाए जतन, जतन ने खीर पकाई, खीर पकाई जतन से,
चरखा दिया जलाए, घर का चरखा था जला दिया, आया कुत्ता खा गया। जतन ने जो खीर बनाई थी वह कुत्ता आ गया और उन्होंने खा गया, और तू बैठी ढोल बजाए, और तू ढोल बजाकर रहती गई। अर्थात यहां भिन्न भिन्न शब्द है, जैसे खीर पकाई, चरखा, कुत्ता, ढोल, ऐसे भिन्न भिन्न शब्द रचना ली गई है और उसके माध्यम से यह रचनाएं की गई है, जहां भिन्न भिन्न प्रकार की शब्द रचनाएं लेकर काव्य रचना की जाती है उन्हें ढकोसला कहते हैं। उसी तरह से ढकोसला का रचना कबीरदास जी ने किया, अर्थात पहली उसे कहते हैं कि किसी रहस्य को बौद्ध की कसौटी पर कसकर खोजा जाता है, अर्थात रहस्य को जानना या रहस्य का उद्घाटन पहली कहा जाता है। जो पहला उदाहरण हमने लिया, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वो थाली फिरी, मोती उससे एक न गिरी और जवाब आकाश। उसके बाद मुकरी के संदर्भ में कहा जाता है, मुकरी उसे कहते हैं कि जहां एक उत्तर बताकर अर्थात वह गलत दूसरा सही जवाब दिया जाता है उसे मुकरी कहते हैं। और जैसे जिनका उदाहरण हम लोगों ने देखा, तट्टी तोड़ के घर में आया, अर्तन बर्तन सब सरकाया, खा गया पी गया दे गया बुत्ता, क्यों सखी साजन ना सखी कुत्ता। उनके साथ दो सुखने का उदाहरण हम लोगों ने देखा, और दस सुखने के उदाहरण में दो प्रश्नों का उत्तर जहाँ एक ही होता है उसे दो सुखने कहा जाता है। जैसे पान सड़ा क्यों घोड़ा आड़ा क्यों, जवाब फेरा न गया था। और उनके साथ साथ ढकोसला के संदर्भ में कहा जाता है कि जहाँ पर भिन्न भिन्न शब्द लेकर काव्य रचना की जाती है उसे ढकोसला कहा जाता है। अतः आमिर खुसरो हिंदी साहित्य में हास्य विनोद की सृष्टि करने वाले मौलिक कवि है, पहले कवि है कि जिन्होंने अपने रचनाओं का सृजन किया है। उन्होंने अपने साहित्य के द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रयास किया है। उसी समय भी धर्मों धर्मों में, जाति जातियों में, प्रांत प्रांत में, संप्रदाय संप्रदाय में जहर बोने का काम किया गया, दोनों में अलगाव निर्माण करने का प्रयास किया गया, विभाजन करने का प्रयास किया गया और उसमें खून की क्रांति करने का प्रयास कई लोगों के द्वारा किया गया, उन्हीं हिंदू और मुसलमान दोनों में एकता प्रस्थापित करने का प्रयास आमिर खुसरो ने किया है। सामान्य जनता के लिए उसी समय उन्होंने साहित्य लिखा जब दरबारी साहित्य लिखा जा रहा था, हर राजा के दरबार में आश्रित कवि होते थे, वह केवल अपने राजा का गुणगान करते थे, राजा की प्रशंसा करते थे, उनकी वीरता का शूरता का चित्रण करते थे। मतलब इन आश्रित कवियों का जो साहित्य है वह साहित्य केवल उनके दरबार तक ही सीमित था, समाज के साथ इन कवियों को कोई लेना देना नहीं था। ऐसे समय में जहां दरबारी साहित्य लिखा जा रहा था, ऐसे समय में आमिर खुसरो ने लोक साहित्य की निर्मिति की, समाज के लिए अपने जनता के लिए साहित्य लिखा, उन्होंने किसी भी बादशाह के लिए अपने साहित्य का सृजन नहीं किया, अपने साहित्य की निर्मिति नहीं की। इसलिए हिंदी साहित्य में सूफी गीतकार और कवाली का निर्माता भी आमिर खुसरो को माना जाता है। आज की जो कवाली साहित्य है वह आमिर खुसरो की ही देन मानी जाती है। आमिर खुसरो संगीतज्ञ थे, आमिर खुसरो ने सितार की निर्मिति की ऐसा भी कहा जाता है, और इसीलिए आमिर खुसरो की भाषा संगीतात्मक स्वाभाविक बोलचाल की भाषा समझी जाती है। वह एक नए संस्कृति के नए साहित्य के जन्मदाता माने जाते हैं। आज हिंदी भाषा जिस शैली में लिखी जाती है या जिस शैली में बोली जाती है उसके भी वह जन्मदाता माने जाते हैं। आमिर खुसरो को सूफी कवियों का पथ प्रदर्शक माना जाता है। जैसे गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, गोरी मतलब कोई सुंदरी, सेज पर मतलब वो बिछाने पर सोई है, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, उन्होंने अपने केस अपने मुख पर डाल दिए
और इसीलिए अमीर खुसरो कहते हैं चलो खुसरो अपने घर, खुसरो तुम अपने घर चलो। कारण रैन भरी चहु देश, रैन मतलब रात्रि, अब चारों देश में सारे जग में सारे विश्व में अंधकार हो गया है, रात्रि हो गई है, और इसीलिए तू अपने घर चल। और इसी तरह से सूफी कवियों का पथ प्रदर्शक भी अमीर खुसरो को माना जाता है। आज अमीर खुसरो के साथ ही आदिकाल के दूसरे अत्यंत महत्वपूर्ण कवि चंदबरदाई जी का भी हमें अध्ययन करना है। चंदबरदाई हिंदी साहित्य के पहले महाकाव्यकार माने जाते हैं, कि जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर उन्होंने पृथ्वीराज रासो यह ग्रंथ लिखा है। यह ग्रंथ हिंदी साहित्य के लिए साहित्यिक दृष्टि से इस ग्रंथ का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। अतः चंद बरदाई का अध्ययन आज हमें करना है। चंद बरदाई, जैसे मैंने कहा कि वह आदिकाल के, वह या हिंदी भाषा के पहले महाकाव्यकार चंद बरदाई जी को माना जाता है। उन्होंने पृथ्वीराज रासो नाम का ग्रंथ लिखा, कि जो ग्रंथ हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि मानी जाती है। यह महाकाव्य दिल्ली के अंतिम सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर आधारित है। उनका जीवन साकार करने का प्रयास चंदबरदाई जी ने किया है। चंदबरदाई पृथ्वीराज नरेश के सामंत एवं राजकवि थे। आदिकाल चारण और भट्टों का युग, चंदबरदाई भट्ट कवि थी। वह असंख्य विद्याओं से निपुण थी। व्याकरण से लेकर ज्योतिष शास्त्र तक सभी शास्त्रों में उनकी गति थी, इसलिए चंदबरदाई जी को महाविद्वान माना जाता है, और जिनका प्रमाण पृथ्वीराज रासो है। इस महाकाव्य में उन्होंने पृथ्वीराज का जीवन साकार करने का प्रयास किया है, और इसीलिए इस महाकाव्य में अजमेर के राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान दोनों की शत्रुता और दोनों की युद्धों का वर्णन अत्यंत सजीवता के साथ चंदबरदाई जी ने साकार करने का प्रयास किया है। राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता के हरण के बाद राजा जयचंद ने मोहम्मद गोहरी को पृथ्वीराज पर आमंत्रित करने के लिए उन्हें भारत में आमंत्रित किया। अर्थात चंदबरदाई ने यह सारा प्रसंग यथार्थ के साथ चित्रित किया है। पृथ्वीराज चौहान और राजा जयचंद दोनों की माँ सगे बहने थी। उनके जो पिताजी थे अर्थात पृथ्वीराज के दादाजी, उन्होंने अपना राज्य पृथ्वीराज चौहान को दिया, और जिसका परिणाम यह हुआ कि राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान दोनों के बीच शत्रुता निर्माण हो गई, और उनके साथ दूसरा प्रसंग संयोगिता स्वयंवर। राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता का उन्होंने स्वयंवर रखा था। स्वयंवर का मतलब उसी समय स्त्रियों को अपने पसंद का वर चुनने की पूर्ण अनुमति थी, और संयोगिता का स्वयंवर जब रखा गया तो देश प्रदेश के सभी राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया गया। जानबूझकर राजा जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रित नहीं किया, उल्टा उनका अपमान करने के लिए उनका स्वर्ण का पुतला बनाया और द्वारपाल के रूप में वहां खड़ा किया। संयोगिता देश प्रदेश विराजे हुए एक एक राजा महाराजाओं को राजकुमारों को लांघती दरवाजे तक आती है, और जहां पृथ्वीराज चौहान का स्वर्ण का पुतला बनाया था उसके गले में उन्होंने वरमाला डाल दी। वहां पृथ्वीराज चौहान गुप्त वेश में मौजूद थे, वह उसे भगा कर ले जाते हैं, और उसके कारण यह शत्रुता या दोनों के बीच का संघर्ष यह और अधिक बढ़ जाता है, और यही कारण है अपने भाई के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने मोहम्मद गोरी को भारत में आमंत्रित किया। मोहम्मद गोरी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, और उनमें से 12 बार उनका युद्ध पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ, परंतु 13वीं बार मोहम्मद गोरी उन्हें पराजित करता है और अफगानिस्तान के गजनी शहर ले जाता है,
और वहाँ पर उनकी दोनों आँखें निकाल दी जाती है। और उसी समय यह चंड वरदाई पृथ्वीराज के जीवन पर पृथ्वीराज रसो यह ग्रंथ लिख रहे थे। उसी समय उन्होंने वह ग्रंथ अपना पुत्र जल्लन के हाथ में दिया और अपने स्वामी की रक्षा के लिए चले गए। और वहाँ जाने के बाद चंद वरदाई और पृथ्वीराज चौहान दोनों ने मिलकर शब्द भेदी तीर के द्वारा मोहम्मद घोरी को मारा और बाद में एक दूसरों को मारकर वह मर गए। अर्थात ये जो इतिहास कथा है, उस इतिहास कथा को चंद वरदाई जी ने पृथ्वीराज रासो इस ग्रंथ के माध्यम से उद्धृत किया है। इसी तरह से उनके जन्म से लेकर उनके मृत्यु तक की जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं का विस्तार के साथ चित्रण चंद वरदाई जी ने किया है। पृथ्वीराज रासो यह चरित काव्य कहलाता है, रासो चरित काव्य कहलाता है। यह जीवनी रूप है, उनका जीवन वृत्त का चित्रण यह हुआ है। वह इतिहास से संबंधित है, ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण उसमें दिया गया है। उसमें 69 सर्ग है, 16,000 छंदों में पृथ्वीराज रासो यह सृजित किया गया है। पृथ्वीराज रासो चंद वरदाई द्वारा लिखित वीर रसात्मक काव्य है। इसका कला पक्ष और भाव पक्ष अत्यंत समृद्ध है। इसकी प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता के संदर्भ में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान उसे अप्रामाणिक अर्थात जाली ग्रंथ मानते हैं, तो कुछ विद्वान उसे प्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं। यह जो महाकाव्य है, उस महाकाव्य में पृथ्वीराज की माता, पिता, उनकी पत्नी आदि के नाम पर इतिहास की जो घटनाएं हैं, वह घटनाएं उसमें वैषम्य दिखाई देता है। अर्थात उसमें घटना वैषम्य है, काल वैषम्य है। इसमें अरबी, फारसी जैसे विदेशी भाषाओं के शब्दों का आधिक्य है। और यही कारण है कि पृथ्वीराज रसो यह जाली ग्रंथ समझा जाता है। परंतु हिंदी साहित्य में इस ग्रंथ का महत्व ऐतिहासिक दृष्टि से न होकर साहित्यिक दृष्टि से इस ग्रंथ का महत्व है। इसमें वीर रस है और वीर रस के साथ साथ अन्य रसों में श्रृंगार रस को भी उसमें महत्व दिया गया है। अलंकारों के दृष्टि से जब इस ग्रंथ का जब हम अवलोकन करते हैं, तो शब्दालंकार और अर्थालंकार समानता से उसमें पाए जाते हैं, या समानता से उनकी सृष्टि चंद वरदाई जी ने की है। और यही कारण है कि उनकी प्रतिभा का दर्शन हमें होता है। छंदों के दृष्टि से जब हम इन ग्रंथों का अवलोकन करते हैं, तो विविध छंद संस्कृत के अपभ्रंश के विशेष रूप से छंद आए हैं, जिसमें गाहा छंद अर्थात गाथा छंद उसमें दृष्टिगोचर होता है। इसका वस्तु वर्णन भी साहित्यिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस ग्रंथ में चंद वरदाई जी ने दिल्ली शहर का वर्णन किया है, अजमेर का चित्रण किया है, गजनी शहर का चित्रण किया है, पृथ्वीराज के दरबार का चित्रण किया है, पृथ्वीराज की सेना का चित्रण किया है, उनके साथ साथ युद्ध का तथा युद्ध कलाओं का अत्यंत सजीव चित्रण किया गया है। और यही कारण है कि पृथ्वीराज युद्ध कला को हमारे सम्मुख उद्धृत करता है। अतः पृथ्वीराज रासो आदिकालीन ऐतिहासिक परिस्थितियों का दर्पण है कि जिस दर्पण में तत्कालीन समाज, उनका आचार विचार, खान पान, राजनीतिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति, धार्मिक परिस्थिति, साहित्यिक परिस्थिति, उन सभी का प्रतिबिंब उस आहिने में दिखाई देता है। अतः साहित्यिक सौंदर्य इस ग्रंथ के द्वारा उद्धृत है, जो चंद वरदाई जी को अक्षुण्य कीर्ति प्रदान करता है। अतः चंद वरदाई जी का हिंदी साहित्य के आदिकाल में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। धन्यवाद।